भद्र के करमा थाना क्षेत्र से एसओजी करमा थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। शराब तस्करी गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से डीसीएम ट्रक में कुल 656 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पंजाब से बिहार के लिए शराब की खेप ले जाई जा रही थी। शराब की कुल अनुमानित कीमत 55 लाख रुपए है। जनपद सोनभद्र में करमा थाने के अंतर्गत आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और एसओजी की टीम जांच में लगी हुई थी। इनकी संयुक्त कार्रवाई में एक पंजाब नंबर का संदिग्ध ट्रक जब चेक किया गया तो उसमें शराब लदी हुई पाई गई। जब उसके प्रपत्र चेक किए गए तो उसमें प्रपत्र फर्जी बनाए गए थे। वो जो शराब थी इंपीरियल ब्लू ब्रांड थी और सिर्फ पंजाब में सेल होने के लिए थी। जो प्रपत्र बनाए गए थे वो नट बोल्ट को ले जाने के लिए मिल्टी बनाई गई थी उनकी। इसमें दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों लुधियाना के रहने वाले हैं। एक का नाम रोहित है, दूसरे का नाम मनीष है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लुधियाना से शराब को लाद के जो लगभग 655 पेटियां शराब हैं, 5840 लीटर शराब है और मार्केट वैल्यू लगभग 55 लाख है इसकी, उसको शराब को लाद कर ये लोग